दुनिया भर में कुछ लोग चिड़ियाघर में जानवरों के इलाके में घुसते देखे गए हैं। इनमें से कुछ बेवकूफी से वहां पहुंचे तो कुछ अपनी मर्जी से। आज हम आपको बताने वाले हैं पांच ऐसे लोगों के बारे में जो कि चिड़ियाघर में जानवरों के बेहद करीब जा पहुंचे। लेकिन उससे पहले ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करें और इस घंटे के निशान को जरूर दबाएं। चीतों के इलाके में बच्चा। 2015 के दौरान क्लीवलैंड में एक कपल को चिड़ियाघर देखना तब महंगा पड़ गया जब उनका 2 साल का बच्चा चीतों के बाड़े में जा गिरा। वहां मौजूद लोगों के अनुसार बच्चे की मां ने बड़ी ही बेवकूफी से बच्चे को सेफ्टी बैरियर के ऊपर बिठा दिया था, जहां से ये बच्चा तकरीबन 10 फीट नीचे चीतों के बाड़े में गिर गया। इस बाड़े में 2 चीते थे जो कि कभी भी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे, पर बच्चे के माता पिता समय व्यर्थ न करते हुए इस बाड़े में कूद गए और किसी तरह से अपने बच्चे को बचाकर बाहर लाने में कामयाब रहे। इस पूरे हादसे में बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी माँ को काफी कुछ झेलना पड़ा। चिड़ियाघर वालों ने उसकी माँ पर कोर्ट में केस थोप दिया और फिर उसे उसकी बेवकूफी के सजा के तौर पर 6 महीने जेल भी काटनी पड़ी। गोरिल्ला की दरियादिली। गोरिल्ला आकार में इंसानों से बेहद बड़े और ताकतवर होते हैं। ये अपने हाथों से किसी भी इंसान की हड्डियां चकनाचूर कर सकते हैं। साथ ही इस जानवर को काफी समझदार भी माना जाता है, क्योंकि गोरिल्ला ट्रेनिंग देने पर इंसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण चला सकते हैं और तो और ये इशारों की भाषा भी सीख सकते हैं। गोरिल्ला कितने समझदार हो सकते हैं, इसका एक परफेक्ट उदाहरण 1996 में ब्रुकफील्ड जू में देखने को मिला। यहाँ पर 3 साल का एक बच्चा अचानक गोरिल्ला के बाड़े में गिरने के बाद बेहोश हो गया। ये देखकर एक फीमेल गोरिल्ला बच्चे के पास आई और उसे उठाकर बाड़े के मुख्य दरवाजे पर ले आई, जैसे कि उसे पता था कि बच्चे को लेने वहाँ कोई आएगा। इस दौरान इस फीमेल गोरिल्ला का खुद का बच्चा भी उसके एक हाथ में था। उसने इंसानी बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचाते हुए मुख्य दरवाजे पर इंतजार किया और फिर बच्चे को रेस्क्यू टीम को सौंप दिया। सन की टोपीबाज। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि जब आप चिड़ियाघर देखने गए हों और किसी टाइगर को देखते देखते आपके पैसों का भरा पर्स उसके बाड़े में जा गिरा, तो क्या आप उन पैसों के लिए टाइगर के आगे कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पैसों से ज्यादा आपकी जान मायने रखती है। लेकिन इस वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो सिर्फ अपनी टोपी लेने टाइगर के बाड़े में कूद गया। इसको अपने इलाके में देख टाइगर को भी लगा कि जैसे लंच करने का टाइम हो गया है, पर इन दोनों के बीच एक छोटी सी जाली होने के कारण ये शख्स बाड़े से अपनी टोपी लेकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। दूरी है जरूरी। अलास्का जू में एक टूरिस्ट को काफी दर्दनाक दुर्घटना के बाद पता चला कि सफेद भालू बेहद आक्रामक होते हैं। या कैथरीन नामक लड़की सफेद भालू के पिंजरे नुमा बाड़े के इतने करीब जा पहुंची जहाँ पर टूरिस्ट का जाना मना था। कैथरीन सफेद भालू की कुछ तस्वीरें ले रही थी कि तभी भालू ने उसकी जांघ को अपने मुंह में जकड़ लिया। ये सब देख यहाँ पर खड़े लोगों और जू स्टाफ ने बेहद जद्दोजहद करने के बाद कैथरीन को भालू के जबड़े से आजाद किया। इस पूरी दुर्घटना में कैथरीन के पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई और उसे काफी गहरा सदमा भी पहुंचा। इंसानियत अभी जिंदा है। हमारा ये लास्ट वीडियो 1990 में रिकॉर्ड किया गया था, जब एक आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक चिंपैंजी की जान बचाई। रिक्स वॉक नामक ये शख्स एक दिन डिट्रॉयट के चिड़ियाघर में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक चिंपैंजी को डूबते हुए देख रहे हैं। उससे ये देखा नहीं गया और वो चिंपैंजी को बचाने जानवरों के बीच जा पहुंचा। अपनी जान पर खेलकर रिक्स वॉक ने ये साबित कर दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। तो ये थे 5 ऐसे लोग जो चिड़ियाघर में जानवरों के बेहद करीब पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।